नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आज है दिन मंगलवार और टाइम हो चुके हैं करीब 1 बजने वाले हैं और इस समय से मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मंगलवार है तो हम लोगों का तो फास्ट है ही, तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया, उन लोगों के लिए खाना भी रेडी कर दिया है। बस अपना थोड़ा बहुत काम है, छोटा छोटा चीज़, मैं सोच रही हूँ कि उसको कर लेती हूँ। लाइट की ज़रूरत थी उस काम को करने के लिए, पर लाइट कब से गायब था इसलिए काफ़ी लेट हो चुका है। फाइनली अब लाइट आ चुका है, तो मशीन में कपड़े जो है ना लोड हो गए हैं, कपड़े धुल रहे हैं और बाकी जो छोटे छोटे काम है तो उसको मैं कर लेती हूँ। और कुछ जो है ना फ्रूट्स वगैरह भी आए हुए हैं, तो अभी देखा नहीं है मैंने खोलकर कि क्या आया है नहीं आया है, तो मैं सोच रही हूँ अब चल के चेक करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए देखते हैं। तो पहले हम रूम को लॉक कर देते हैं क्योंकि डुगू जो है अंदर खुला रहता है तो बिलाव के डर से बंद करना पड़ता है। और देखिए कितनी कड़ी सी धूप निकली है आंगन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ देखिए मैं दूध रख के गई थी, मैं भूल भी गई थी वीडियो एडिटिंग करने के चक्कर में, लेकिन लो फ्लेम पे था तो ये अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इधर देखिए जो फ्रूट्स आए थे उसको बास्केट में रखा हुआ है, ये धोया हुआ बास्केट है और बांस का जो बास्केट होता है ना मुझे काफ़ी पसंद है, तो पहले से ही मैंने धो के रखा था। और ये आया है खूब बड़ा सा पपीता, मेरे हस्बैंड को पपीता जो है ना बहुत ही पसंद है, तो जब भी फास्ट रहते हैं ऐसे भी पपीता लाते रहते हैं। और सेब भी आया है इधर देखिए, और इधर आया है अंगूर, अंगूर जो है ना दोनों वाले आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लेकिन धूल मिट्टी काफ़ी भरा हुआ है इस पर। और थोड़ी सी मूंगफली भी आई है तो इसको अभी धोकर काटना है हमें। तो सबसे पहले हम पपीता काटते हैं, ये कहीं कहीं कच्चा टाइप का है, कहीं कहीं पका है, मतलब कहीं हार्ड है कहीं सॉफ्ट है ज़्यादा ही, और इसमें काफ़ी सारा बीज है। मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतने बड़े पपीते में इतना सारा बीज है, तो इसको थोड़ा सा काटने में वक्त लगेगा। मुझे फंसूल से काटने में काफ़ी आसान लगता है, बचपन से हम लोगों ने फंसूल से ही काटा है इसलिए ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, चाकू से उतना नहीं हो पाता है। कोशिश तो करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं पर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसमें देखिए थोड़े थोड़े रेशे भी हैं, इसको भी निकाल लेते हैं और पीसेज में कट करके रख दीजिए, तो बच्चे हैं बड़े हैं जो भी हैं खाते रहते हैं, लेकिन इस तरह पड़ा रहेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। तो जब भी मेरे यहाँ फ्रूट्स आता है ना मैं सबको छील छाल के काट कूट कर अच्छे से रख देती हूँ, ताकि जब भी बच्चे हों हम हों नज़र के सामने दिखता है तो उठाकर हम लोग खाने लगते हैं, ऐसे दे दिया जाए तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। अंगूर को भी हमने अच्छे से धो लिया और देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के अंगूर हैं, मैंने शायद पहली बार ही इतना बड़ा बड़ा अंगूर देखा है, मेरे यहाँ पहली बार आया है। थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ का आता है लेकिन इस बार काफ़ी बड़ा है। सेब को भी छील लेते हैं, सेब हम दो ही काट रहे हैं क्योंकि सेब भी ज़्यादा लोग खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसे खाना खाइए तो फ्रूट्स खाने का काफ़ी मन करता है लेकिन फास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सब रेडी हो गया है, हम उसको साइड कर देते हैं। और ये जो पपीते के बीज है ना इसको हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इस बीज से हम पौधे उगाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको बटोरने में, पहले कागज़ में बटोर लेते हैं और देखिए कितना ही सारे क्वांटिटी में बीज जो है निकल गया है। ये सुखा कर भी बोया जा सकता है और ये अभी भी छीट दिया जाएगा तो ये हो जाता है। इधर थोड़ा सा मूँगफली भून लेते हैं, तो ये लोहे की कढ़ाई जो है ना हम पहली बार इस पर यूज़ करके देख रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो काम तो कर रहा था लेकिन थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि डर डर के हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पर इसको भुना था। और कढ़ाई जो थी इसका फ्लैट बॉटम नहीं है तो इधर उधर घूम रहा था तो थोड़ा सा तो मुश्किल हुआ पर हो गया है। तो ये अभी गर्म है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसका छिलका उतार लेंगे, इसको फटक के डब्बा में रख देंगे। तो फास्ट में मूँगफली ज़रूर भून के रखना चाहिए ताकि खाने वाने का मन करे, थोड़ा सा टेस्ट बदलते रहता है। और इधर हमारे घर कुछ सब्जियां आई हैं तो गोभी का यूज़ हमने थोड़ा बहुत किया है, तो टमाटर को हम पहले छांट के एक टोकरी में रख देते हैं। टोकरी में रखने से ये होता है कि जब भी फ्रिज से निकालना हो आसानी से हम खींच कर निकाल लेते हैं, तो जब भी मार्केट से सामान आता है मैं सबको अपने अपने जगह पर रख देती हूँ। ये जो धनिया का पत्ता ना काफ़ी लंबा है तो इसको 2 टुकड़ों में मैं काट रही हूँ और काट कर इसको टिश्यू पेपर में इस तरीके से लपेट दूँगी। ये टिश्यू पेपर जो है ना फट जाता है इसलिए बिल्कुल सावधानी से रखना पड़ता है, और गांव में हर एक लोगों के पास ये सब अवेलेबल नहीं होता है, तो न्यूज़पेपर है ना वो सबके घरों में होता है तो उसमें लपेट के ज़रूर रख दीजिएगा, बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है, लगभग महीनों दिन तक चलती है, मैं क्या बताऊँ आपको।
और ये है गोभी, तो इसकी भी कलियां मैं निकाल कर रख लूँगी ताकि काटने में आसानी होगी। और कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े कलियों में भी हम सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि आजकल जो गोभी आ रही है ना काफ़ी जल्दी से गल जाती है। हरी मिर्ची का डंठल हम तोड़ लेते हैं, बहुत सारा क्वांटिटी में हरी मिर्ची आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये सारी मिर्ची ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए इसको सेफ़ रखना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इस तरह का एक डब्बा है, आपके पास भी ज़रूर ही होगा। तो इसमें टिशू पेपर डालकर हरी मिर्ची को इसमें हम सेफ़ कर देते हैं ढककर, और बिल्कुल सेफ़ है ये, महीनों दिन तक आराम से चल जाता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। तो सब्जियों वाला काम जो है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ देखिए मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील के रखा है और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था। मैं क्या करती हूँ कि एक ही बार में 10-15 दिन के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। पिछली वीडियो में हमने शेयर भी किया था और इसमें भी थोड़ा बहुत मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अदरक को पीस लूँगी। लेकिन देखिए एक बार पीसने के बाद थोड़े थोड़े से इसमें टुकड़े रह गए हैं, तो पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, ये काफ़ी सेफ़ रखेगा और यकीन मानिए टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये ताज़ा ताज़ा पीसा हुआ है। तो इसको भी हम पीस के स्टोर कर लेते हैं। और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक है इसलिए हमको दो बार पीसना पड़ रहा है। तो अदरक का पेस्ट बन चुका है, अब लहसुन का पेस्ट भी इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोनों पेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास थोड़ा सा कुमड़ा था तो मैंने इसको काट के रख दिया है, कल बनेगा। समय है तो भाई समय का यूज़ करना चाहिए। सब्ज़ी को भी कट करके हमने रख दिया है, इस तरीके से फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ देखिए डुग्गू जो है ना पहली बार आया है किचन में, एक बार और आया था। जब ये यहाँ आता है ना तो इसको समझ ही में नहीं आता है कि मैं कहाँ आया हूँ, किसी को पहचानता ही नहीं है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तो भी आके बैठा हुआ था, कितना भी बुला रहे थे, कुछ खाने के लिए भी दे रहे थे, तो ये नहीं खा रहा था। और ये देखिए सेब वगैरह भी हम लोग दिए हैं, बिल्कुल छू ही नहीं रहा है। और बेटी लोग के सारे काम खत्म करने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ साड़ी पहन के। अभी सोच रही हूँ कि जाती हूँ दुकान पे, थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स करूँगी, काफ़ी शांति मिलती है, शांत जगह है, अच्छा लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि दिन में निकलती हूँ और टाइम आप लोग को दिखा देती हूँ। पौने तीन हो गए हैं और अब हम निकलते हैं। और दुकान पे आने के बाद इस जनाब का फ्रूट्स का भोग लग रहा है, मैंने पहले ही टिफिन बॉक्स में भर के दे दिया था। और यहाँ ये लोग देखिए मस्ती में लगे रहती हैं, यहाँ काफ़ी खुला जगह है तो बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं वहाँ पे। मेरा भी काफ़ी मन लगता है, मैं भी जाके थोड़ा देर वहाँ बैठी थी। क्या ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रही है? गर्मी मतलब गर्मी लग रही है। टोपी खोलो, अब गर्मी आ गया, उसमें से मत छूना, डैडी क्या है। और ये है सुबह का क्लिप, यानी कि हम लोग का पारण का दिन बुधवार का है। तो मैं सोच रही हूँ आज पालक पूरी बनाती हूँ। तो पालक को मैं थोड़ा सा ब्लांच करूँगी पानी में, उबलते हुए पानी में हमने 1-2 मिनट इसे रखा था, अब ठंडा पानी में डाल रहे हैं ताकि इसका कलर जो है मेंटेन रहे। वैसे तो डायरेक्ट पालक प्यूरे से बनाई जा सकती है ये पालक पूरी, पर पालक का जो कच्चा वाला जो स्मेल है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ब्लांच कर रही हूँ। तो इस ठंडे पानी में से मैं डालूँगी जार में और इसका हम पीस कर प्योरे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्योरी जो है तैयार हो चुका है, मेरे पास थोड़ा कम ही क्वांटिटी में पालक था। और अब हम चलते हैं आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा या सूजी भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हाथों पर क्रश करते हुए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें, इसके बाद स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, हमारे पास दरदरा कूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मंगरेला को क्रश करके डाल देते हैं। उसके बाद 3-4 चम्मच हम डाल देंगे मोयन के लिए रिफाइन तेल, इससे कचौड़ी जो होती है ना काफ़ी खस्ता बनती है। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमने आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था। अब हम डाल देते हैं इसमें पालक का प्योरे, अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर प्योरे ज़्यादा है तो उसमें आटा मिला लीजिए, या आटा ज़्यादा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। तो हमारे पास प्योरी थोड़ा कम था तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का भी यूज करेंगे और आटे को हम अच्छे तरीके से मसलते हुए लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम हार्ड ही लगाएंगे आटा,
इससे कचौड़ी जो होती है ना काफ़ी खस्ता बनती है। तो आटा यहाँ देखिए हमारा लग चुका है, अभी से हम ढक देते हैं, ये इधर अपना रेस्ट करेगा, तब तक हम सब्जी बनाएंगे। तो आज हमारे यहाँ बनेगा आलू और हरे मटर की सब्ज़ी। तो आलू को हमने पहले से ही उबाल के रखा है और ये बिल्कुल फ्रेश मटर है। तो पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और तेज़पत्ता का पहले पेस्ट तैयार कर लेते हैं हम। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है तेज़पत्ता पीसने से, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वो पेस्ट बन चुका है, हम थोड़ा सा टमाटर का प्योरी बना लेते हैं। एक ही टमाटर हमने यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं है। तो गर्म तेल में हमने जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, उसके चटकने के बाद हमने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को हल्का सा भूनते हैं कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर को गलाना है इसलिए हम पहले थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं और साथ साथ डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक इसको गलने के लिए, ताकि ये गलने में मदद करें। थोड़ा देर भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया है वही बनाया हुआ पेस्ट। उसको भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसे थोड़े देर के लिए भून लेंगे। ये सूखे मसाले हैं तो बहुत जल्दी भून जाते हैं। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, ये रोस्टेड कसूरी मेथी है और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि आलू का जो सब्ज़ी बनता है उसमें अमचूर पाउडर ज़रूर डालना चाहिए, थोड़ा सा खट्टापन देता है। तो ऐसे तो हमने यहाँ टमाटर का भी यूज़ किया है इसलिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर यूज़ किया है। अगर टमाटर नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अमचूर पाउडर डालें, नहीं तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें। इसके बाद हमने नमक फिर से डाल दिया है दोबारा से, क्योंकि नमक हमने पहले कम डाला था। मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालते हैं। तो पानी आप अपने इच्छानुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें आलू को भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिर से ढक देते हैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट बाद देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारी आलू की गर्मा गर्म सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। सब्जी को हम उतार के साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम पूरी बना लेते हैं। तो कढ़ाई उधर गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम लोइयां बना लेते हैं। इस तरीके से लोइयां बनाएंगे, बड़ा छोटा आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार बना सकते हैं। लोइयां बन चुकी है पूरी, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, इतना ही मोटा। आप अपने मर्ज़ी के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, मोटा पतला भी कर सकते हैं। तो हम पूरी बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे। मैं पहले से पूरी बनाकर स्टोर करके नहीं रखती हूँ, मेरा आदत है कि मैं तलते जाती हूँ और फिर बेलते जाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी पूरियाँ निकल रही हैं, काफ़ी फूली फूली, जबकि मैंने कढ़ाई में काफ़ी कम तेल रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से करके हम सारी पूरियों को तल चुके हैं और यहाँ देखिए हमारी प्लेट भी लग चुकी है, गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी। लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।